यहीं पे सीता जी का जन्म हुआ था। इसमें जो है माता के घैला में धक्का लग गया, यही माता जन्म लिए, बारिश हुआ। थोड़ा बताइए ना तो क्यों मना है? अपना फोटो लीजिए, बीच में जाइए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मंदिर में लेना, भगवान तो कभी मना नहीं किए, भगवान आके कभी नहीं बोले हैं कि आपको फोटो नहीं लेना है। 33 तो नहीं बात कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग नेपाल जनकपुर धाम से निकले थे और कल रात सीतामढ़ी स्टे किए थे। तो अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पे, सीतामढ़ी के जानकी स्थान मंदिर के पास में है। तो अभी हम पूरा जानकी स्थान मंदिर घूमने वाले हैं। तो अभी मेन मार्केट है यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन और अच्छा मार्केट है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा मेला लगा था, जैसा कि लोगों ने बात कर रहे हैं लोगों ने बताया। तो आप ये देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे है मंदिर का एंट्रेंस, एंट्री गेट, और हमने वहाँ पे अपना बाइक लगा दिया है। अभी हमने हाथ वगैरह धो लिया है, फुल माला भी हम लेंगे नहीं क्योंकि अभी सुबह सुबह हुआ है और हमने नहाया नहीं है। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और पूरा घूमते हैं, काफ़ी लेट हो रखा है। अभी क्या है कि हमें यहाँ पे जूता वगैरह निकालना होगा, एंट्रेंस है, सामने मंदिर है। तो यहाँ क्या है कि ये इसका नानी घर है, तो इसे सारा देखा है, तो यही अभी लेके आया है। अच्छा अच्छा। और ये लेके क्या आया है, मुझे पूछ के आना पड़ा, यहाँ इसका रहना नहीं रहना सब बात बराबर है। तो यहाँ से होता है हमारा मंदिर स्टार्ट, और सामने में ही है राम जानकी, एज सेम एज जैसा वहाँ पे हमने जनकपुर धाम में देखा। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है जानकी स्थान मंदिर है, और अभी हम लोग क्या है कि इधर भी एक मंदिर है, तो अभी हम लोग फटाफट से उधर चलते हैं। और यहाँ हनुमान जी नहीं, साई बाबा है। जय साई बाबा। दीवारों पे काफ़ी अच्छा पेंटिंग्स बनाया गया है जो कि राम जी और सीता जी से रिलेटेड है, राम जी लक्ष्मण जी, यही सब है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पेंटिंग्स हैं। और जस्ट मंदिर के सामने में यहाँ पे हनुमान जी है, जस्ट राम जानकी मंदिर के सामने। इन सीता जी के सामने हमेशा कौन रहेंगे, सीता जी, राम जी के सामने हनुमान जी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, पूजा वगैरह सत्यनारायण भगवान जी की। तो यहाँ पे हमारे भोलेनाथ पंडित जी मना कर रहे थे बाहर कि आपको नहीं लेना है सूट। तो पंडित जी जरा बताएंगे यहाँ के बारे में, आप ही आइए ना इधर, थोड़ा आपसे बात करना है। मैं प्रधान हूँ, आप भी तो यहीं से है ना, बात करना है ना प्रधान से। यहाँ से आप बारे, यहाँ के बारे में बता नहीं सकते, यहाँ नॉलेज ही नहीं है के बारे में। सीता जी रहते हैं। अच्छा, इसीलिए प्रधान कहाँ पे होंगे, अंदर पता नहीं पंडित कैसे बन गए हैं, और इन्हें यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हवन कुंड हो जाता है, और ये हमारा मंदिर है जिनका भी पट बंद है, पता नहीं 12 बजे के बाद पट बंद होता है। ये हमारा इधर आए तो हमारे गणेश भगवान, गणेश जी, जय श्री गणेश। थोड़ा बताइए ना तो क्यों मना है, अपना फोटो लीजिए बीच में जाइए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मंदिर में लेना, भगवान तो कभी मना नहीं किए, भगवान आके कभी नहीं बोले हैं कि आपको फोटो नहीं लेना है। 33 तो नहीं बात कर रहे हैं, मंदिर का फोटो आपको नहीं लेना, फोटो जितना मंदिर में ही आके फोटो लेंगे ना, मंदिर में लीजिए, मंदिर का फोटो नहीं। अंकल यादगार के लिए आए हम लोग, यादगार को छोड़ो ना, नेपाल से आए यादगार के लिए आए, चाहिए विदेश चाहिए, लोग की याद के लिए एक फोटो भी नहीं ले सकते, वो आप सुनिए। तो जरा आप एक बात बताएंगे, बाहर जो बुक में बिकता है, बुक वगैरह में यहाँ का फोटो होता है, वो लोग कैसे, वो लोग को आप परमिशन देते हैं? आप वो फोटो ले लीजिए, वो फोटो ले लीजिए। नहीं तो वो भी तो आखिर यहाँ से फोटो लिया होगा ना, अपने से तो बनाया नहीं होगा। जानकी मंदिर का पूरा हम लोग ये देखा है, बता सकते हैं, देखिए ना, यही बात फोटो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वो हमको पता नहीं है। वही बात है ना, किसी सिंगल को मना मत कीजिए, कहीं पे लिखा नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि लिखा हुआ है 1000, इसका ये भी लिखा हुआ है मंदिर के अंदर फोटो नहीं। कहाँ पे खोजिए, आपने आपको मिल जाएगा, आप बता दीजिए, हम वहाँ का जाके वीडियो लेंगे। मंदिर का फोटो नहीं लीजिए।
चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके आपके बात के तरीकों को पूरे पूरा भारत देखेगा, आपके सीतामढ़ी के लोग देखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, कभी कुछ अच्छा बात यहाँ पे दो लोग आके आपको जरूर कहेंगे। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो ये रहा मंदिर का सीन। यहाँ के किसी पंडित का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब कैसे बात कर रहे हैं। मतलब एक पंडित का एक लेवल होता है, एक हद होता है, कोई तरीका या क्या है पता नहीं। मतलब मंदिर में कौन बोलता है, मना करता है? हमारे यहाँ गरीब स्थान मंदिर है, पूरा धाम है, वहाँ पे तो कोई मना ही नहीं करता है। नहीं, फोटो नहीं ले रहा। आपका ले रहा है, आपका। अच्छा, तो ये देख सकते हैं दुर्गा मंदिर अंदर में, और अभी हम लोग चलेंगे उधर साइड। अच्छा, मंदिर में आप लोग पर्सनल फोटो खींचने के लिए है यहाँ पे? आप लोग फोटो मतलब फोटोग्राफी के लिए आप लोग यहाँ पे? पर फोटो का कॉस्ट क्या पड़ता होगा? 20 रुपया एक फोटो। एक चीज़ आप बता रहे हैं, फोटो का ही नहीं कोई खींच सकता भगवान का। अगर आपको फोटो क्लिक करवाना तो इंस्टेंट फोटो यहाँ पे आपको हैंड टू हैंड 2 मिनट में मिल जाएगा। तो आप कभी भी यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और पर फोटो कॉस्ट 20 रुपीज बॉन्डी, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अच्छा है। तो यहाँ के जो मेन पुजारी है राम जानकी मंदिर के, तो यही है। अभी यहाँ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, हमें थोड़ा जानकारी मिलेगा यहाँ के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब राम जी सीता जी का? यहाँ जो है विदेह जनक का ये सब खेतवाड़ी था, यहाँ के राजा विदेह जनक थे। और एक समय ऐसा आया कि रावण ऋषि मुनि से कर लिए थे, घरा में रखे थे, और घरा लेकर वहीं पर खेत में लुप्त कर चले गए। उस समय से 12 वर्ष तक जल का वास्ता बंद हुआ, आकाशवाणी हुआ यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे, जल की बारिश हुआ। विदेह जनक ने सोने के हल लेकर सभी संतों और ब्राह्मण देवताओं को बुलाए, पूजा कर कर यही हल चलाए थे। धारा फूट गई, साक्षात सीता प्रकट हो गई, इसका नाम सीता मही रखा गया। नारद जी आकर वह बच्ची का नाम सीता रखे थे, विदेह जनक ने उस बच्ची का नाम जानकी रखी। उनकी धर्म पत्नी सुनैना माता ने रखी कि यह साक्षात किशोरी जी है। यही पर सीता प्रकट हुई, पोषण पालन हुआ और वहाँ धनुष जल हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, सीता जनकपुर में यह सीता की जन्म हुई। अभी हम लोग भी वहीं से आ रहे हैं, जनकपुर से ही आ रहे हैं, विवाह पंचमी देख के फिर यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बात की और यहाँ के बारे में बताया। तो जो आप अच्छे से सुनना तो काफ़ी समझ में आएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या है कि बाहर में सीता जी का क्या भी है वहाँ पे, हाँ उस साइड में, तो उस साइड में भी सीता जी का जन्म स्थल है, अभी हम लोग वहीं चलेंगे और यहाँ पे स्थापित किया गया। तो पुण्य ऋषि का था, जब बहुत आदमी के फंड बारिश आने लगा ना, तो सीता जी यहाँ से चलने लगे, वहाँ ठहरे हुए, और फिर उस साइड में सीता जी का जन्म स्थल है बगल में। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज अभी हम लोग उधर चलेंगे, सीता जी का जन्म स्थल जहाँ पे जन्म हुआ था घड़ा फूट के, तो अभी निकलते हैं वहाँ के लिए। तो यहीं पे हुआ था सीता जी का जन्म मंदिर में। काफ़ी अच्छा, श्री उर्वजा कुंड। अच्छा, यहीं पे सीता जी का जन्म हुआ था। अच्छा, तो यहीं पे जहाँ पे ओम नमः शिवाय। जाइए, मतलब यही जो हल चलाते हुए घड़ा फूटा था। आइए ना बताते हैं, मेन इसी के नीचे में। आइए बता देंगे, सब चीज बताएंगे, आइए ना, पहले खींचो ना फोटो, फोटो ले लो। तो यहीं से हल चलाते हुए घड़ा फूटा था, और यहाँ से मतलब अच्छा ये रावण सब ऋषि मुनि का खून का कर्ज लेते थे, यही घैला में जमा कर दिया,
तो घैला से का समाज हो ये रावण ये घैला जहाँ गारोगे वहाँ 12 बरस का अकाल पड़ जाएगा। मतलब 12 बरस कुछ भी नहीं, पानी वानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही सुलचना नाम का जंगल था सीतामढ़ी, इसी जंगल में आके गाड़ दिया घैला को। यहाँ 12 बरस का अकाल पड़ गया, जीव जंतु आदमी पक्षी माल जाल सब तराय तराय करने लगे। तो यही सतानंद जी गुरु जी महाराज आज्ञा दिए, जो छाता लेके हैं जी, ये बीच में जन्म जी है, ये माता सुनैना है, ये स्कृति उनकी भाई की लड़की। यही सतानंद जी गुरु जी महाराज आज्ञा दिए कि राजन अपने राज में हल उठावेंगे तो प्रजा का उद्धार हो। तो यही जनकपुर से जब चले तो अपने हाथों से दो भोलेनाथ प्रतिमा बैठा, एक जलेश्वर नाथ दूसरा हलेश्वर नाथ। यही हलेश्वर नाथ आए तो कपिल ऋषि इनको शक्ति से हल बैल दिए है, बोले राजन तीन चास लगा। तीन चास का मतलब तीन चक्कर लगा। यही तीन चास लगा रहे थे तो अढ़ाइये चास में जो है माता के घैला में धक्का लग गया। यही माता जन्म लिए, बारिश हुआ, यादगार के लिए तालाब हुआ, ये तालाब है, ये तालाब बारिश से ही हुआ। इसमें का पानी कभी सूखता है कि नहीं? हाँ, यादगार के लिए तालाब हुआ। हर के फार के सीत कहते हैं, नारद भगवान आए तो इनका नाम सीता रखे और सीतामढ़ी घोषित हुआ। सीतामढ़ी इस जगह का नाम हो गया ना। यहाँ चार ऋषि रहते थे, कपरौल में कपिल ऋषि, पुनौरा में पुंडक ऋषि, खरका में खरक ऋषि, चकमैला में चक ऋषि। चारों ऋषि के बीच में माता का घैला था। जानकारी मिल के अच्छा लगा। इस पानी का बताया पंडित जी ने कि ये आपको काफी गंदा लग रहा है ना, हल्का सा हाथ फेरेंगे तो ये काफी ज्यादा साफ हो जाएगा। तो अभी हल्का सा हम लोग पानी को, और ये आप देख सकते हैं हल्का सा करते ही ये पूरा साफ अंदर तक दिख रहा है, अंदर तक पूरा चीज दिख रहा है। गाइज आपको काफी गंदा लग रहा होगा, लेकिन आपके प्रूफ के लिए मैं अभी अपने फोन को करने वाला हूँ अंदर। पानी डालो आँख पे, बोला गया है कि आँख तेज हो गई इससे। भैया चेहरा पे भी डाल, डालो डालो डालो, वेरी गुड, हम भी कर ही लेते हैं। कितना साफ पानी है सच में भाई, सही में साफ है। इसमें देखने में लग रहा है भाई थोड़ा सा गंदा, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना साफ पानी है, थोड़ा भी गंदा नहीं लग रहा है। देख रहे गाइज, हमने जन्मस्थल भी घूम लिया और काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने यहाँ के बारे में सब कुछ बताया है। तो अब क्या है कि यहाँ से निकलना है घर के लिए मुजफ्फरपुर, तो बाइक लेंगे और बाइक लेके निकलेंगे फटाफट। काफ़ी लेट हो गया है, हमने सोचा था 9-10 बजे वहाँ पहुँच जाए, बट अभी क्या है कि अभी 11:10 आप देख सकते हैं, अभी 11:10 हो रहा है, तो अभी काफ़ी टाइम ले जाएगा, निकलते हैं यहाँ से। ये है जानकी मंदिर जो 1999 में बना था, 1599 में। फोटो हमारी बाइक, हमने बाइक वहाँ पार्क की थी और यहाँ पता नहीं किसने खींच के लगाया है। अब यहाँ से हमको ले रहा है अलविदा, तो टुक टुक चलो बाय बाय, शादी एंजॉय करो, बाय 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 बाय। अपने शहर मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और विवेक का घर भी आ चुका है, गली में है, तो अभी यहीं पे उतर गया। अब यहाँ से मैं जाऊंगा अपने घर, चला अपने घर। फाइनली मैं भी आ गया घर 3 दिनों बाद घर में, थक गया, पूरा सा थक गया पूरा। वाह, शादी शुदा आदमी कैसे है? हाथ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वाह बताइए आपका शादी कब होगा? अब 6 महीना है बाकी, बस 6 महीना। तुम्हारा 6 साल साल तो सोम्या कैसा लग रहा है शादी वादी करने के बाद? कैसा लग रहा है? हाउ इज द जॉब? ऐसे पूछो क्या जॉब? 2 दिन बीत गया, ये दूसरा दिन है ना। कल का दिन कैसा रहा? रहा